सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टेक्निकल शाह जी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर मेरे न्यू और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है शाह जी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं टेक्निकल शाह जी। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? तबीयत आप लोगों की सबकी ठीक है? तो फ्रेंड बात करूँगा जो अफवाहें हैं नई नई उनके ऊपर कि इंडियन चैनल्स को तो बैन कर दिया गया है, मैं आपको बताते चलूँ। और उसके अलावा एक और न्यूज़ आपसे शेयर करते चलूँ कि इंडियन जो DTH सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे कि डिश टीवी वगैरह या इस तरह के DTH सर्विसेज हैं, तो अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1 करोड़ रुपये जुर्माना और जो है 4 साल कैद बामशक्कत की सज़ा हो सकती है। ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का और यही इत्तला उनके लिए हैं जो कि सी लाइन वगैरह यूज़ कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, तो ये सज़ाएं उनके ऊपर भी लागू होंगी क्योंकि इंडियन DTH सर्विस को फैलाना भी जुर्म है। और जो जो ये काम कर रहे हैं तो उनको बहुत एहतियात रहना चाहिए और इस तरह के काम जो है सी लाइन वगैरह ये जो दूसरे प्रोवाइडर हैं जो कि रिचार्ज कर रहे हैं उनको बिल्कुल जो है अब रिचार्ज नहीं करना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन इंडियन चैनल को बैन कर दिया है पूरे पाकिस्तान में। अब रही फॉरएवर सर्वर की बात, तो फॉरएवर सर्वर जनाब अभी तो वर्किंग में है मगर ये ऑपरेट जो है यहाँ से नहीं होता, ये ऑपरेट होता है UAE दुबई से। तो हो सकता है कि आगे जाके जो है फॉरएवर सर्वर और GShare सर्वर भी बंद हो जाएं पाकिस्तान में क्योंकि इनके ऊपर इंडियन चैनल चलते हैं। और अगर बंद होगा तो 95 का पैकेज इसके ऊपर से और 100 का पैकेज इसके ऊपर से बंद होगा पाकिस्तान में, अदरवाइज और चैनल्स के ऊपर बैन नहीं है। ठीक है, वो यूँ किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान में ये DTH सर्विस इंडिया की चल रही है जिसमें इनका जो है DTH सरफहरिस्त जो है Dish TV 95, तो ये नॉन टैक्स पेड है पाकिस्तान में। स्मगलिंग के थ्रू ये रिसीवर जो है लाए जा रहे हैं, इससे हुकूमत को कुछ भी टैक्सेस वगैरह नहीं दिए जा रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपये की कंपनियाँ पाकिस्तान से कमा रही हैं मगर पाकिस्तान को कुछ टैक्स पेड नहीं कर दिए। तो आप एहतियात कीजिए और इनको जो है ना मुकम्मल बाइकआउट कीजिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। अदरवाइज़ अगर आप फॉरएवर सर्वर पे चैनल वगैरह देखते हैं तो उसके ऊपर अदर पैकेजेस भी हैं, अगर इस पे से कुछ रिमूव होना है तो 95 का सिर्फ पैकेज रिमूव होना है, उसके अलावा जो है इस पे से कुछ रिमूव नहीं होना। ठीक है फ्रेंड, तो परेशान होने ज़रूरत नहीं है, बहरहाल ये है सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है कि ये पाकिस्तान में इलीगल है, गैर कानूनी है, तो आप इसको इस्तेमाल ना करें, ये नुकसान का। तो जो लोग भी ये काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि काम फौरी तौर से बंद कर दें। ठीक है, अब ये मुकम्मल तौर से इलीगल है पाकिस्तान में। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टेक्निकल शाह जी। जो भी इस मुतालिक न्यूज़ होगी आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।